मैडम एक छोटा सा मेरा प्रश्न है मैडम आपसे। मैडम मैं ट्रेनों की संख्या पे नहीं जाऊंगा कि ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए या स्टॉपेज होनी चाहिए। मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है मैडम, संभागी शहडोल संभागी रेल मुख्यालय का इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, आफ्टर बिलासपुर के बाद एक दूसरा बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। ऐसे में मैडम यदि मैं यहाँ की जो है मुकम्मल व्यवस्था की बात करूँ तो ऊपर जो शेड लगा है मैडम, जो मतलब सुरक्षा की दृष्टि से जो लगा होता है, वो मैडम पूरे मूसलाधार बारिश इतने मोटे मोटे होते हैं जब, और लगातार 3 वर्षों से जो है बारिश जो है वहाँ पे हो रहा है मैडम। जो प्लेटफॉर्म में जो शेड लगा होता है, छज्जा जो छत होता है जो, ठीक है, इतने मोटे मोटे मूसलाधार उसमें से बारिश होता है मैडम, नंबर एक। दूसरी बात, हम यदि बात करें फर्श की, तो फर्श का हाल इतना बेहाल है कि अभी DRM साहब आए थे अभी लगभग 1 महीने पहले, मैंने व्यक्तिगत रूप से उनके संज्ञान में बात लाई, उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया CUG नंबर, और बोला उन्होंने कि कोई भी ऐसा जो है मतलब संवेदनशील मुद्दा रहता है तो मुझे आप व्हाट्सएप भेजिएगा। मैंने उनको व्हाट्सएप में भेजा, इवन आज 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी कोई भी निराकरण नहीं। इसमें क्या बोलेंगे मैडम? चलिए अच्छा है, आपके माध्यम से ये जो दिक्कत जो आपने हमारे संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से मैं संबंधित अधिकारियों से मैं चर्चा करूंगी, और अभी हमारी 17 तारीख को अरे भैया तो हम बात तो अपना विषय तो रखेंगे ना, बात नहीं बताएंगे किसी को, तो है ना। सवाल ये है कि आपके विषय पर अमल नहीं कर रहा रेलवे, छोटे से कार्यक्रम आपको खुश करने के लिए देखिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और ये हमारा काम है, हम बात करके संबंधित। मैं अंतिम में एक छोटा सा प्रश्न है, वैसे तो मेरे पास प्रश्नों के जत्थे रखे हैं बट आपकी व्यस्तता वो देखते हुए लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा मैडम। हमारा शहडोल आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, नंबर एक। आदिवासियों की योजनाओं की बात करें, सुरक्षा की दृष्टिकोण से उनकी बड़ी बड़ी बातें करें, ऐसे में मैडम आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूं मैं। यहां से महज जो है 400 से 500 मीटर इवन 300 मीटर की दूरी पे गुडसेट परिसर है मैडम, जहां माल अनलोडिंग लोडिंग किए जाते हैं, वहां पे अभी जो रेलवे ट्रैक में किसी कॉन्ट्रैक्टर को रेल प्रशासन ने एक बड़ा काम दिया, जो पटरी में जो स्लीपार्ट लगे होते हैं जो, उनको चेंज करके नए लगाने का प्रावधान था। लगभग 150 से 200 मजदूर उनको ऐसी जगह खुले आसमान तले 1 महीने से जो है व्यवस्था उनकी बनाई गई है, छोटे छोटे गोद में मैडम उनके बच्चे हैं 2-2, 3-3 साल के, ठीक है मैडम। वहां पे बड़े बड़े पेड़ पौधे, जहरीले जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, और सबसे बड़ी मैडम लचर व्यवस्था रेल प्रशासन की और खासकर संबंधित विभाग की, कि उनके तंबू के बगल, मैम एक्सक्यूज मी ऑल टू मिनट लिसन में मैडम सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ मैडम, नहीं मैं इसलिए आपको बिल्कुल मैं आपको अब इसलिए बता रहा हूँ मैडम, क्योंकि जितने जवाबदेही संबंधित विभाग के अधिकारी हैं जिनकी तानाशाही लापरवाही कहूँ मैडम, गटर का पानी सुनिए मैडम, गटर का पानी बहता है तंबू के बगल से, मैंने संज्ञान में लाई बात संबंधित अधिकारियों के, लेकिन कुछ भी निराकरण नहीं मिला। DCM आए हैं ना आपके साथ, मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनके संज्ञान में लगा। चलिए तब तक एक और सवाल ये बताइए, यहाँ के लिए कोयला ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पब्लिक ज्यादा महत्वपूर्ण? देखिए कोयला परिवहन भी जरूरी है, और जो दैनिक जीवन में जो आवाजाही है वो भी जरूरी है।